धनबाद का दंगल भी गहराता जा रहा है। एनडीए ने, भाजपा ने जैसे ही ढुल्लू महतो के नाम की घोषणा की, धनबाद की राजनीति गर्म हो गई। धनबाद की सियासत में सियासी रण तेज हो गया। एक तरफ रविंदर पांडे दिल्ली पहुंचे, भाजपा के कद्दावर सांसद रहे, चार बार के सांसद रहे हैं, वो दिल्ली पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद भी उनसे बातचीत नहीं बन पाई, हालांकि रामटहल चौधरी के साथ गए थे, रामटहल चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन रविंदर पांडे ने अभी तक कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है। बात करें आईएनडीआईए गठबंधन की, तो दधई दुबे का नाम आगे चल रहा था, यूथ कांग्रेस के नेता कुमार गौरव उनका नाम चल रहा था, बेरमो विधायक अनूप सिंह ने ताल ठोक दी थी कि उनको टिकट दे रही थी कांग्रेस, लेकिन उन्होंने टिकट लेने से मना किया क्योंकि वो फिलहाल विधायक हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। अनुपमा सिंह भी रेस में आगे चल रही थी, लेकिन आज शाम से एक और धार चलने लगी है। पूर्णिमा नीरज सिंह पहुंच गई है दिल्ली, उन्होंने भी आलाकमान से मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। पूर्णिमा नीरज सिंह भी सांसद का चुनाव लड़ना चाह रही हैं। आपको बता दें कि पूर्णिमा नीरज सिंह पहले एनडीए के फोल्डर में भी आने को लेकर कई कयास लगाए गए थे, आईएनडीआईए के साथ भी उनकी बातचीत की गई थी, लेकिन चर्चा जानकारियां जो छनकर भीतरखाने से सामने आई थी उसमें यह साफ हुआ था कि पूर्णिमा नीरज सिंह को पार्टी ने मना कर दिया, लेकिन आज फिर उनका दिल्ली पहुंचना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल की ओर इशारा करता है। क्या रिपोर्ट देखिए एक बार। क्या धनबाद के दंगल में उतरेंगे सरयू राय? धनबाद में सरयू राय किसका बिगाड़ेंगे खेल? लोकसभा चुनाव में धनबाद हॉट सीट बन गया है। बीजेपी ने बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। सरयू राय ने कहा है कि धनबाद की जनता चाहेगी तो वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो जैसे किसी को 2014 में माँ गंगा ने पुकारा था, वैसे ही अगर विष्णु स्वरूपा परम पिता तुल्य दामोदर मुझे पुकारते हैं तो मुझे यहाँ आने में कोई एतराज नहीं है, उनके आदेश का पालन मैं जरूर करूँगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव जीता था। सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को मात दी थी। ऐसे में अब धनबाद सीट पर आखिर वो किसका खेल बिगाड़ेंगे? आज भले ही हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। अब वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये उनका व्यक्तिगत विचार है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरयू राय जी भाई स्वतंत्र हैं, निर्दलीय विधायक हैं, किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं और जो बातें होती है अपनी बातें वो रखते हैं। अब चुनाव धनबाद से वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है धनबाद से वो सोच समझ कर दिया है, क्योंकि वो भी विधायक, पुराना विधायक है और उस क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता है, यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने ढुल्लू महतो को विधायक बनाया है। दूसरी ओर महागठबंधन के उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी दिल्ली की दौड़ लगा रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की रेस में पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम भी जुड़ गया है। इस रेस में दधई दुबे, कुमार गौरव, अनुपमा सिंह के साथ रविंदर पांडे भी शामिल है, लेकिन पार्टी किस पर भरोसा जताती है ये 31 मार्च के बाद ही साफ हो सकेगा। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बर्णवाल और रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो धनबाद का दंगल और सख्त होता जा रहा है। सरयू राय ने भी ताल ठोकी दी है करीब करीब, कह रहे हैं अगर जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, भाजपा की भूल को सुधारने का प्रयास करेंगे। जनता चाहेगी तो उनको कैसे बताएगी, जनादेश का पहले चुनाव से पहले परिणाम कैसे सरयू राय जी को पता चलेगा, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रुक करते हैं सीधे अमर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, सरयू राय के आने के बाद धनबाद का दंगल त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बड़ी बात आ रही है कि आईएनडीआईए गठबंधन ने अभी तक एक तो अपनी सूची जारी नहीं की है, धनबाद को पीछे रखा, जबकि धनबाद में सबसे ज्यादा वोट से हारी थी आईएनडीआई, सबसे ज्यादा वोट से धनबाद हारा था, धनबाद सीट हारी थी। आज पूर्णिमा नीरज सिंह भी धनबाद पहुंच गई हैं, एक नाम उनका भी चर्चा में आ गया है,
कौन है रेस में आगे सबसे ज्यादा तेज? बिल्कुल, देखिए आज से एक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, इसमें कई नामों पर चर्चा हुई है, चाहे वो जदय दुबे है, उसके बाद पूर्णिमा नीरज सिंह है, अनूप सिंह की पत्नी है, उनके ऊपर भी चर्चा की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी अभी किसी डिसीजन पे मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है कि हम सिर्फ अभी चर्चा कर रहे हैं, और आज पूर्णिमा नीरज सिंह जो है धनबाद से जो विधायक है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई थी, उन्होंने अपने भी एक दावेदारी की बात कही है। लेकिन मेरा सोर्सेस का ये कहना है कि पूर्णिमा नीरज सिंह पिछले जब उनको कॉन्टेक्ट किया गया था तब उन्होंने मना किया, लेकिन अब वो हामी भर दी है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अब इस आलाकमान को फैसला करना है कि आखिर क्या कैसे उम्मीदवार चाहिए और किस तरह के उम्मीदवार चाहिए, इस पर लगातार जो है मंथन जारी है। आज जब एक मीटिंग हुई थी उसमें जो केपी राणा केपी सिंह यहाँ मौजूद थे जो चेयरमैन है, उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद प्रभारी भी मौजूद थे। अब सवाल उठता है कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है और इसी पर जब दाव खेला जाए। पिछले बार की अगर इतिहास को अगर देखें तो जिस तरह से बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी तो उस हार को एक सबक मिला है, और इसी वजह से गठबंधन एक मजबूत करने की कोशिश है और एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करने की कोशिश की जा रही है जो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को धर्माद में टक्कर दिया जाए। अब लगातार ये कोशिशें चल रही है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो 30 तारीख को पीएससी की मीटिंग होगी इसमें तय हो जाएगा आखिर धनबाद से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में जो है कांग्रेस के हिस्से में लगातार इनकी कोशिशें हैं कि एक मजबूत उम्मीदवार दिया जाए और उस चीज को किसी भी तरह से जीता जाए। अब देखना यह होगा कि पूर्णिमा नीरज सिंह होंगे, जदय दुबे होंगे या फिर कोई और होंगे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उम्मीदवार वहां एनडीआईए गठबंधन का कौन होगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ अरुण बनवाल हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़ गए हैं। सीधा अरुण का रुख करते हैं। अरुण, पूर्णिमा नीरज सिंह भी दिल्ली पहुंच गई हैं, रेस में उनका भी नाम शामिल हो गया है। अभी अमर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि पहले भी पार्टी ने उनसे संपर्क किया था लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। हालांकि कई तरह की सूचनाएं आई थी, ये भी जानकारियां मिली थी कि एनडीए भी संपर्क में है, भाजपा भी संपर्क में उनके साथ है, संभव है भाजपा से भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब तो ये क्लियर हो गया है कि भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को अब सांसद बनाने पर आ चुकी है, विधायक ढुल्लू महतो वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आधी आबादी बताया जाता है वहां पर महिलाओं की, महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, कौन कारगर साबित होगा, पूर्णिमा नीरज सिंह या दादाई दुबे? देखिए अभिषेक, अब कांग्रेस पार्टी अब किसको कैंडिडेट बनाती है, लेकिन जैसा कि आपने सही कहा, कुछ दिन पहले जब यहाँ पे धनबाद में जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी चुनाव से संबंधित में, इसमें स्पष्ट रूप से पूर्णिमा नीरज सिंह ने डिनाई कर दिया था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। लेकिन अब जबकि क्लियर हो गया है, जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ढुल्लू महतो को बना दिया है, तो वो धनबाद में कांग्रेस का कैंप कर रही है और धनबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही है। लेकिन जहां तक रही दादा दुबे की बात, तो दादा दुबे और पूर्णिमा सिंह, चूंकि दादा दुबे बहुत ही लंबे समय से धनबाद से गैप में है, अनुपस्थित रहे हैं, गाहे बगाहे यहां पर पहुंचे हैं, तो इसलिए उनको कितना इसका लाभ मिलेगा ये तो नहीं पता। लेकिन पूर्णिमा सिंह भी एक्टिव जरूर रही है, लेकिन सिर्फ उनका कार्य क्षेत्र अपना झरिया में ही है, तो झरिया में उनको निश्चित रूप से सपोर्ट मिलेगा ही, और वैसे कांग्रेस के कैडर जितने हैं उनके लिए काम करेंगे, लेकिन दादा दुबे भी एक फैक्टर हो सकते हैं। परंतु ज़्यादा जो लाभ, जो अभी का जो समीकरण बता रहा है, वो अगर पूर्णिमा नीरज सिंह टिकट लेके आती है तो वो ज़्यादा कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर ज़्यादा पूर्णिमा नीरज सिंह दे सकते हैं। एक और नाम आज सामने आ गया है अरुण, आपने उनके साथ सीधे बातचीत भी की, सरयू राय का नाम, रुझान पूरा है, सरयू राय ने भी जनता पर छोड़ दिया है, ये भी कह दिया है कि भूल भी सुधारनी है भाजपा की। अब जनता की सुनेंगे या भाजपा की भूल सुधारेंगे? कुल मिलाकर अब तो ये भी कहा उन्होंने कि जो ऑडियो है, जो अभी टिकट मिला है ढुल्लू महतो को, उनका ऑडियो भी उनके पास आ गया जिस पर उन पर भी आरोप लगाए गए हैं, तो कुल मिलाकर उन्होंने अपनी भूमिका बांध दी। और सरयू राय इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि अपने पत्ते सबसे अंत में खोलते हैं, तो माना जाए कि सरयू राय के खड़ा होने के बाद यह मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है।
देखिए निश्चित रूप से सरयू राय की एंट्री एक तरह से क्या है धनबाद में हो गई है, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि चूंकि वो लगातार धनबाद के संपर्क में है, चूँकि दामोदर जो सफाई का दामोदर नदी को जो लेकर अभियान कर रहा है, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो लगातार धनबाद में कैंपेनिंग किए हुए हैं। कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने महाभूल की है अपने प्रत्याशी को देने में। तो अगर प्रत्याशी को अगर अपनी भूल को पार्टी ने बीजेपी ने नहीं सुधारा, चूँकि वो अपने आप को पुराने भाजपा ही बताते हैं और लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहने की भी बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था न्यूजीलैंड भारत से बात करते हुए कि अगर पार्टी अपनी भूल को नहीं सुधारती है तो वो धनबाद से आतंक और जो इस तरह दूसरे जो विधि व्यवस्था को बिगाड़ने वाला माहौल है उसको दूर करने के लिए वो अगर जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरह से उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया है कि अगर मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ढुल्लू महतो को टिकट देकर पार्टी ने भूल की है। निश्चित इनका उनका कहना यही था कि ढुल्लू महतो को नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहा कि जो बीजेपी ने जिसको अपना प्रत्याशी बनाया है धनबाद से वो उसको उसके नाम की घोषणा करके पार्टी ने बहुत ही अधिक बहुत बड़ी भूल की है और उसको सुधारने की आवश्यकता है। अगर पार्टी उसको सुधार देती है तो वो इस चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे भी नहीं, और अगर नहीं सुधारती है तो निश्चित रूप से धनबाद चुनाव लड़ने में उन्हें कोई गुरेज भी नहीं है। तो ये मानकर चले कि सरयू राय को विश्वास है कि पार्टी अपनी भूल अभी भी सुधार सकती है, यह भी मानकर चले कि जिस तरीके से सुनील सोरेन के नाम की घोषणा के बाद टिकट कट गया उनका, तो धनबाद किसी भी वक्त धनबाद में भी यह उलटफेर हो सकता है, क्योंकि अचानक ढुल्लू महतो की नाम की घोषणा के बाद रेस में कई नए चेहरे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक इजी टारगेट देखा जा रहा है। कई पुराने मामले भी हैं जिनको लेकर ढाल बनाया जा सकता है, जनता के बीच जाया जा सकता है। जातीय समीकरण भी बड़ा मामला बनेगा, उसको लेकर भी जनता के बीच जाया जा सकता है। तो भाजपा से भूल सुधारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं सरयू राय, पुराने आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता है, नेता है, राजनीतिज्ञ है, कई तरह के चुनाव देख चुके हैं, जीत चुके हैं और जनता की नब्ज को पहचानते हैं। बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमारा आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।